अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जाली अज़ीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए एक नई फूड रिव्यू लेकर आया हूँ। मैंने काफ़ी दिन हो गए मैंने किसी भी ग्रोसरी प्रोडक्ट का फूड रिव्यू नहीं किया, तो आज मैं आपके लिए बहुत ही एक अच्छा सिरप लेकर आया हूँ। स्पेशली गर्मियों के सीज़न में ये बहुत इस्तेमाल होता है। ट्रेडिशनल हमारा यहाँ पे साउथ एशियन जो हमारा है बड़े सगीर में इस्तेमाल होने वाला लाल शरबत है, जो मुख्तलिफ ब्रांड्स बना रहे हैं, लाइक हमदर्द भी बना रही है और करशी वाले भी बना रहे हैं और इस तरह काफ़ी हैं, नोरस वगैरह भी है। तो आज मैं उसी सिलसिले में उसी कड़ी में मैं आपके लिए लाल शरबत का एक नया ब्रांड लेकर आया हूँ। है तो पुराना लेकिन रिव्यू में उसका नया लेकर आया हूँ। तो मैं आज आपके लिए ये शेज़ान कंपनी का है समरकंद करूँगा लाल शरबत, जो उसका ट्रेडिशनल हमारा लाल शरबत है ये वाला। दोस्तों मैंने इसे इस्तेमाल किया है, मैंने रूहफ़ज़ा भी इस्तेमाल किया है, करछी भी और नोरस वगैरह भी इस्तेमाल किया है। शेज़ान एक अच्छी कंपनी है, पाकिस्तान में काफ़ी मकबूल है, तो इसका जो समरकंद है तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। मैंने इस्तेमाल करके देखा है इसे, आपको ठंडक भी मिलती है और इसमें ऑलरेडी फ्रूट्स भी शामिल है हर्ब्स के साथ। तो मोस्टली जितने भी लाल शरबत है वो उसमें मोस्टली मुख्तलिफ़ किस्म के एसेंसेस और हर्ब्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर रूह अफ़ज़ा की तरह फ्रूट्स भी शामिल है। इन्होंने ऊपर बनाया भी हुआ है, ठीक है, फ्रूट्स में अंगूर है, अनार है और माल्टा है, स्ट्रॉबेरी है, एप्पल है, पैशन फ्रूट है, नाशपाती और आलू बुखारा है। और इन्होंने जो ऊपर लिखा हुआ है बेहतरीन फलों और फूलों का ये निचोड़ है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और दोस्तों इसके प्राइस की तरफ आते हैं, ये मार्केट में आपको 145 से लेके 160 रुपए में लाहौर की ग्रोसरी मार्केट में अवेलेबल है, तो इतनी कीमत में आपको ये मिल जाएगा 145 से 160 रुपए में। और पाकिस्तान में भी ऑलरेडी आई थिंक यही रेट होगा मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ सिटीज़ वगैरह में। और दोस्तों इसमें मैं आपको बताता हूँ इसमें और क्या क्या है, उन्होंने बैक पे क्या लिखा है ये भी बता देता हूँ आपको। इसका नेट वेट भी आपको बता देता हूँ, 800 मिलीलीटर की ये बोतल है, यानी 200 मिलीलीटर कम है 1 लीटर में से। और इसके जो अज्जा है इन्होंने पीछे मैनेज किया है, इसमें रिफाइंड शुगर है। और ये जो ये भी बता दूँ ये शुगर के मरीज़ों के लिए नहीं है, तो आप अगर आपको डायबिटिक है या शुगर है तो आप बिल्कुल इस्तेमाल ना करें इसे। और मैं आपको ऐसा बता रहा था, रिफाइंड शुगर है, फलों जड़ी बूटियों का अर्क है, इसमें गुलाब है और संदल है, केवड़ा है और सिट्रिक एसिड, प्रिजर्वेटिव वगैरह है, फूड कलर वगैरह इसमें शामिल है। और इनका जो पैगाम नीचे इन्होंने लिखा हुआ है वो मैं आपको पढ़ कर सुना देता हूँ। मुंतखब फलों के रस और आला जड़ी बूटियों के अरक से तैयार शुदा समरकंद आपको बेहतरीन जायका देने के साथ ताजगी फरहत का एहसास भी बख्शता है। मौसम कोई भी हो, शरबत समरकंद को अपनी ज़रूरत और ख्वाहिश के मुताबिक पानी, दूध या लस्सी में शामिल करके इस्तेमाल कीजिए। और बोतल में फ्रिज में रखिए, इन्होंने प्रिकॉशन दिया हुआ है। तो दोस्तों इन्होंने फ्रूट्स भी कुछ बनाए हुए हैं इधर फ्रंट पर भी बनाए हुए हैं, और ये काफ़ी पुराना शरबत है ब्रांड, तो बचपन से हम इसे देख रहे हैं समरकंद को। तो चलें दोस्तों मैंने इसे इस्तेमाल करके देखा है, इसका जो रिज़ल्ट है वो अच्छा है। इसमें जो आपको पीने के बाद कुछ देर बाद आपके जिस्म में ठंडक का एहसास भी होता है और काफ़ी देर रहता है, यानी आपको आपकी जो प्यास आपको लगी हो तो उसे ये कम कर देता है। चलें दोस्तों मुझे इजाज़त दें, ये तो था आज का रिव्यू। नेक्स्ट किसी और ग्रोसरी प्रोडक्ट के साथ, फूड रिव्यू के साथ मैं हाजिर रहूँगा। और जो अज़ीम को इजाज़त दें, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। और मेरा दूसरा चैनल ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।